अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं। तो आपने देखा था कल के व्लॉग में कि हम सफ़र शुरू कर रहे थे और सब लोग आ गए थे, दोनों गाड़ियां तैयार हो गई थी और तैयार होने के बाद हमने अपना सफ़र शुरू करना था बस। तो अब इंशाल्लाह ताला गाड़ी में बैठते हैं, सफ़र का स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। आइए आपको ले चले एक लंबे सफ़र। तो जी अब ज़रा सफ़र का आगाज़ करते हैं और एक बजिया है, एक बजे हम कराची से निकल रहे हैं और फिर आप लोग भी दुआओं में याद रखें, सफ़र बड़ा लंबा है। सफ़र में जो जो चीज़ें होती रहेंगी आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट करते रहेंगे। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं ऑफिशियली कराची से निकलने का। तो सब साथ ही दुआ पढ़ेंगे साथ में, पहले सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बस तो फिर चलिए, पहला टोल आने वाला है, कराची टोल क्रॉस करते हैं फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तार भाई चले। तो पहला टोल हम लेंगे अब, और पहला टोल की पर्ची कराची टोल प्लाजा से मिल ली है और ये पर्ची हमने ले ली और अब हम चले। बस कराची से निकले ही थे, ज़रा सा आगे आए तो बारिश ने अपना जो है वो मूड बना लिया है और हल्की हल्की बारिश जो है वो होने लगी है। दुआ करिएगा बस कि जैसे ही हम पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पे तो हमें धुआंधार बारिश मिल जाए, देखने को तो मज़ा ही आ जाए। आए हाय, गरीब लोगों की फसलों के पीछे पड़ गए, शर्म नहीं आती आपको? उतनी हो जाए जितनी हमें मज़ा आ जाए। नहीं, उनको फसल के लिए बारिश चाहिए ना। नहीं फिर बारिश नहीं हो, बारिश नहीं, मौसम अच्छा हो जाए, मौसम थोड़ी सी फुहार पड़ जाए, तेज फुहार, फुहार हो जाए, फुहार हो जाए। ये नोट है, ये नोट क्या कर रहे हैं आप? नोट नहीं है, क्या है फिर ये? नोट गिन रहे हैं आप? अच्छा, इस नोट को क्या करेंगे आप? उनको देंगे, उनको देंगे, ये जो टूल वाले हैं इनको देंगे। ये नोट का क्या करते हैं फिर? हैं भाई, ये नोट को गिनते हैं? जिससे मैंने गिने फिर ये दोबारा गिनेंगे, फिर ये शायद हमें गाली भी देंगे, बात नहीं करेंगे। तो ये नोट इनको कितने देने होते हैं? उनको यकीन नहीं आ रहा उनके सिलेक्शन हो गए। तो इनको ये नोट कितने देने होते हैं? ये 32 नोट देंगे, 32 नोट देने होते हैं, बहुत महंगा हो गया टूल। तो ये कौन सा टूल है? ये हैदराबाद है भाई, हैदराबाद आई है, जामशोर ही बोलते हैं, हैदराबाद टूल। हैदराबाद में दाखिल हो रहे हम? दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों और सबकी भाइयों, सबके बहनों, सबके भाइयों, हाँ वही सब मेरी बहनों, सब मेरे भाइयों, हाँ भाई दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों। तो सीन ऐसा है कि अभी मैरापुर आमद हो गई है और मैरापुर में ज़रा सा स्टे किया है क्योंकि डॉक्टर साहब को पिक करना था और हाजात ज़िंदगी और हाजात मामूलात जो है वो पूरे करने के लिए सब लाइन में लगे हैं और सब अपने हाजात को पूरा करेंगे। और जो सुबह सुबह का जो एक मंज़र है ना, ये कैमरे की आँख से तो इतने मज़े का नहीं नज़र आता है जितना अच्छा फील जो है वो एक फ्रेश एयर और एक बस यहाँ की जो ज़िंदगी है ना, क्या कहते हैं, है कि नहीं? सुबह सुबह कोई टेंशन नहीं, गांव की ज़िंदगी जो है ना, सुकून, पुरसकून ज़िंदगी। आदमी सुबह सुबह जो है वो इधर ही खेत में बैठ के एक चाय का प्याला पिए, वहीं नाश्ता करे, एक्सरसाइज की, और एक एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं है, ताज़ा हवा, उसमें एक ताज़ा चहलकदमी, आए हाय हाय है, मज़ा आ जाए। बाद में और आपको बताऊँ, जब बाथरूम में कोई होता है ना तो उसके अंदर से अगर कोई है तो वो बताए कि मैं किस तरीके से, वैसे होता है। इधर कोई है? इधर भी है? अच्छा अच्छा ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली है, अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। डॉक्टर ठीक ठाक, कैसे डॉक्टर साहब? ठीक ठाक, मजे में, नट बोल्ट टाइट हो रहे, ये ओरिजिनल यही है, बात मिला था वो डुप्लीकेट था, ओरिजिनल जो बोलते हैं नट बोल्ट, ओरिजिनल नट बोल्ट यही है, यही है बिल्कुल, सात के नट बोल्ट तुमने सही टाइट करने हैं, सही है? हाँ ये आराम से, चूड़ी उड़ी नहीं तोड़नी, मिलते हैं हल्की फुल्की भूख में, हल्का फुल्का नाश्ता, शोदे बाद चाय, और शोदे बाद चाय के साथ जो है वो बिस्किट, खुल के बताओ, खुल के बताओ, खुल के बताओ, कौन सी चाय है? फैमिली शो है तो शोदे बाद LGBT
एलजीबीटी राइट सपोर्ट तो ये वो बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है क्या भी है इशारा तो करो चाय चाय कौन जी ये वाली चाय इंजेक्शन लगाओ चाय मतलब समझदार सब सब अपनी अपनी मर्जी से निकाल लें और तरन नाश्ता करते हैं फिर आगे चलते हैं ये बिस्किट चाय में डबोते और फिर बिस्किट खिलाते कैसे मैं आपको बताता हूँ शहनशाह अब बेटा शहनशाह आ जा मेरा बेटा शहनशाह क्या बात है शहनशाह बिस्किट खाएगा शहनशाह क्या बात है और गिरा हुआ बिस्किट नहीं कट वाली ये वीडियो नहीं बनाते अपन लोग पूरी वीडियो बनाते हैं शहनशाह फिर से दिखाता हूँ ये देखें ये लिया बिस्किट चाय में डबोया आजा बेटा शहनशाह शहनशाह बेटा आजा बेटा शहनशाह आ जाओ शहनशाह आजा बेटा शहनशाह आजा शाबाश सफर का आगाज दोबारा से होना जा रहा है और एक गाड़ी में गाड़ियां चेंज हो गई हैं और उधर बहुत सारे लोग हो गए हैं और गाड़ी इधर चेंज हो गई है ड्राइवर चेंज हो गया है एक घंटे के बाद मुझे जरा थोड़ा सा लैपटॉप पे काम करना है उसके बाद मैं इधर आ जाऊंगा और फिर लतीफ़ आराम करेंगे नहीं कोई इशू नहीं है हम चला लेंगे जब तक हिम्मत है तब तक चला लेंगे जब तक टेंशन ही नहीं है फिर तो बस सफर दोबारा स्टार्ट हो गया है मैनपुर से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं आगे पंजाब की तरफ कहाँ जा रहे हैं ये सफर में जुड़े रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों सीन ऐसा है कि सफर तो चल रहा है और सफर में जो है वो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके सफर को और ज्यादा लुत्फानंदोज करने के लिए जरा मुजम्मिल भाई की एक नज़म जिनको सहाबा से और हमारे दीन से कुर्बत और मोहब्बत का इजहार सहाबा पे एक सलाम सहाबा के नाम हो सिद्दीक उमर हो गनी हो करार सभी भी कदर हैं सभी भी वकार सभी का है लाजिम हुआ एहतराम सभी का है लाजिम हुआ एहतराम सभी पर हो लाखों करोड़ों सलाम 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 सहाबाए किराम सलाम सलाम सहाबाए किराम वो सिद्दीक़ अकबर जो सबसे है अफजल है रुतबा मिला वो जो सबसे है अकमल बनाया है जिसको नबी ने इमाम बनाया है जिसको नबी ने इमाम उस अबू बकर पर करोड़ों सलाम 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 सहाबाए किराम सलाम सलाम सहाबाए किराम वो फारूक आजम मुरादे मुकर्रम के मांगा था जिनको दुआओं में हरदम खुदा ने दिया फिर नबी को इनाम खुदा ने दिया फिर नबी को इनाम मुरादे नबी पर करोड़ों सलाम 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 सहाबाए किराम सलाम सलाम सहाबाए किराम कर दी ये जिंदगी बस उन्हीं के नाम सलाम सलाम सहाबाए किराम हया के वो पैकर सखावत में बरतर बना दे नबी के वो प्यारे से शौहर वो जिसने फैलाया था रब का कलाम वो जिसने फैलाया था रब का कलाम उस्मान गनी पर करोड़ों सलाम 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 सहाबाए किराम सलाम सलाम सहाबाए किराम वो चौथे खलीफा अली बिन अबी तालिब के जिनकी सिफत में शुजाअत थी गालिब जो बच्चों में अव्वल लाए थे इस्लाम जो बच्चों में अव्वल लाए थे इस्लाम हैदर अली पर
पर करोड़ों सलाम 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 सहाबाए किराम सलाम सलाम सहाबाए किराम अली के वो भाई वो दीन के दाई नबी के मुहाफिज नबी के सिपाही वो हादी ओ महदी मिले जिसको नाम वो हादी ओ महदी मिले जिसको नाम उस मुआविया पर करोड़ों सलाम और जिनका बाबा अली जिनका नाना नबी जिनको माँ भी वो प्यारी थी जहरा मिली वो जिन्होंने पिए हैं शहादत के जाम वो जिन्होंने पिए हैं शहादत के जाम प्यार हसनैन पर हो करोड़ों सलाम 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 सहाबाए किराम सलाम सलाम सहाबाए किराम वो माँ से भी प्यारी जो माँ है हमारी वही जिनके बिस्तर पे रब ने उतारी वो जिनके मुहिब हैं वो खैरुल अनाम वो जिनके मुहिब हैं वो खैरुल अनाम मेरी अम्मिया शब करोड़ों सलाम 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 सहाबाए किराम सलाम सलाम सहाबाए किराम वो कदमों की आहट नबी की समाहत वो सीने पे पत्थर अजब इस्तिकामत वो पहला मुअज्जिन वो हबशी गुलाम वो पहला मुअज्जिन वो हबशी गुलाम बिलाल हबशी पर करोड़ों सलाम 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 सहाबाए किराम सलाम सलाम सहाबाए किराम कर दी ये जिंदगी बस उन्हीं के नाम सलाम सलाम सहाबाए किराम करो आज से तुम भी उनकी गुलामी इसी में मुजम्मिल तेरी नेक नामी जो बन जाए उनका तू अदना गुलाम जो बन जाए उनका तू अदना गुलाम तो पाएगा जन्नत तू रब से इनाम है कर दी ये जिंदगी बस उन्हीं के नाम सलाम सलाम सहाबाए किराम सलाम सलाम सहाबाए किराम जबरदस्त सुभान अल्लाह हजरत आग लगा दी हजरत जबरदस्त कर दिया ये जो सफर को आपने जबरदस्त बनाया मुजम्मिल भाई आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने वाकई जो सफर का जो मजा होता ना उसको दोबाला चौबाला और छबाला कर दिया जजाकल्ला हजरत जजाकल्ला आपकी मेहनत सराहो पे जबरदस्त सीन ऐसा है कि फाइनली सखर मुल्तान मोटरवे से पहले जो PSO का स्टेशन आता है वहाँ पे हम रुक गए पेट्रोल फुल करा दिया चेंज बिल्कुल चेंज होगा तो पेट्रोल फुल करा दिया अब ड्राइवर्स भी चेंज होंगे तो अब गाड़ी चलाने की बारी जो है वो आगे मेरी है तो अब इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं अब आपका भाई जो है वो आगे का सफ़र स्टार्ट करेगा आगे गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी मेरी तो दोस्तों एयर वी एंटर द वन एंड ओनली सखर मुल्तान मोटरवे तो दिस मोटरवे गोस टू डायरेक्ट सवात हाउ कैन आई पुट दिस इज गोस टू सवात तो बट वी आर नॉट गोइंग टू सवात वेयर वी आर गोइंग वी आर गोइंग टू कानपुर वी आर गोइंग टू कानपुर कटोरा कानपुर वी आर गोइंग केपीके केपीके नॉट वी आर गोइंग केपीके नॉट केपीके नॉट केपीके केपीके खान बोलता केपीके कानपुर कटोरा केपीके
नॉर्थ केपीके नाउ वी आर गोइंग टू पंजाब केपीके खानपुर कटोरा वाला केपीके केपीके मींस खानपुर कटोरा ओके ओके तो वी आर गोइंग टू केपीके लोकल केपीके वो इन पंजाब खेले का ट्रक ट्रक जो है वो कल्टी हो गया मोटरवे पे। तो दोस्तों सीन ऐसा है कि मोटरवे पे जब गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट का खास एहतमाम करें और मोटरवे के कुछ उसूल हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। आपने मोटरवे की जो गाड़ी चलाने की लिमिट है 120 किलोमीटर पर आर की, तो आपने 120 किलोमीटर पर आर पे ही चलानी है। हमारी गाड़ी थोड़ी सी तेज़ है तो तेज़ चल रही है, कोई मसला नहीं है। तो आपने बड़ा ख्याल से चलाना है मोटरवे पे, ठीक है। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल से अपना व्लॉग भी नहीं बनाना है, बिल्कुल गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं करना है आपने। हाँ। ये बहुत सारी चीजों का खास ख्याल रखना है और गाड़ी मोटरवे पे खास तौर पे आपने 120 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलानी है, ठीक है। देख लें आप 120 किलोमीटर से ज्यादा बिल्कुल नहीं चलानी है और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके ओके। तो पंजाब में भी एक केपीके और खानपुर कटोरा राहिर पीर इंटरचेंज से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो दोस्तों सीन ऐसा है कि ये हमारे पाकिस्तान की एक विलेज लाइफ है और इसी विलेज लाइफ का जो है वो एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग अक्सर आते हैं। और छोटे छोटे घर हैं, कच्चे घर हैं, छोटे मकानात हैं, लेकिन दिल के बहुत बड़े लोग हैं माशाल्लाह से, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो ये वाले मामलात हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। हर किस्म के लोग, हर कौम के लोग, सभी अच्छे हैं, सबकी मेहमान नवाजी। अभी जिस जगह जा रहे हैं उस बंदे की मेहमान नवाजी आखिर है। तो दोनों तरफ खेत हैं और खेतों के साथ लोग सुबह सुबह अपने कामों पे जा रहे हैं, तो हम भी जगह जा रहे हैं, बस अब वहाँ पहुँचते हैं। ऐसा है कि अब खानपुर कटोरे में बड़ा मशहूर नाश्ते वाला जो है वो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, हनीफ पहलवान के छोले। तो नाश्ता करते हैं हनीफ पहलवान के छोलों से। और लड़के हमारे अंदर चले गए, ये छोले बन रहे हैं और गरम गरम नान साथ में मिलेगा। हमारे लड़के अंदर बैठ गए हैं या ऊपर बैठ गए हैं, किधर बैठ गए हैं, कहाँ गए हैं, बराबर वाले में गए हैं। अच्छा ये जगह बना रहे हैं, ये वो बैठे हैं, वो सब बैठे और सब जो है वो अब ज़रा हनी पहलवान के छोलों से नाश्ता करते हैं, छोला खाएं, पहलवान बन जाए, ये पहलवान हमारा। साथ में फिर सलाद हूँ रह गई है, नमने आ गई नान भी आ गई भाई, नान रूई जैसी नरम नरम नान है भाई, लाड है भाई, विलाग बना रहा है भाई, किया है भाई, खैरियत है, ठीक ठाक है भाई, फट्टा शुरू हो गया, चने किन्ने खाने हैं, हूँ छोला किन्ने खाना है, कोफ्ता किन्ने खाना है, हाँ भाई तो जी फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। हमसे पहले एक गाड़ी पहुंच गई बाहर, गाड़ियां कुर्सियां भी लग गई भाई, कुर्सियां भी लग गई। जाम अब्बास साहब जो है वो अपनी बाइक की तरफ रवाना है, गड्डी एक ही बारी जो है वो अंदर ला देते हैं, गड्डी अंदर ला के मॉडल साहब अंदर इंतजार कर रहे हैं। फाइनली अब थोड़ा सा डेरे पे पहुंच के हाल अहवाल लेते हैं। मेरा यार आया, ओ मेरा यार, ए मार तेरी, मिल चले मेरे, मिल चले, आला पक्का, ए पक्का, अरे पक्का 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 पक्का, आला पक्का टूट जाएगा, पक्का टूट जाएगा, आ है पक्का, आ मेरा पक्का मिलेगा, देख ले क्या ना मिलसा, पक्की गल है, देख ले मैं परे कर रहा हूँ उसको, फिर मिल ले, परे कर दूं, ए पक्का। ये हरियाली और जो ये एक एनवायरनमेंट और एक ये जो माहौल है इसी के पीछे बस हम लोग इतना दूर चले आते हैं और ये सारे मामलात हैं। ये हमारे जाम अब्बास भाई बैठे हैं। अब्बास भाई तो ये मामलात हैं सारे। तो अब सीन ऐसा है कि आगे का जो मामलात हैं थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद फिर अपडेट करते हैं आपको इंशाल्लाह ताला।
डेरे में आ गए हैं और डेरे में आने के बाद जो है सीन ऐसा है कि थोड़ा सा आराम शराम करेंगे। फुल एसी चल रहा है, आए आए नंगी आंटी लेटी हैं, तो सीन ऐसा है कि बस थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरतीब देखते हैं क्या सीन है। हाय 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 हाय, 3 घंटे की नींद करने के बाद शाम 6 बज गए और हम उठे थे। ज़रा हमने कहा ज़रा मामला थोड़े से देखे, पीछे टोका मशीन चल रही है, टोका मशीन का मतलब है टक 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 टक, कुछ ना कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है मुझे खुद नहीं पता, वहाँ कट रहा है, नहीं टोका मशीन नहीं है, मेरे ख्याल में गंदम बन रही, गंदम निकल रही है। तो सीन ऐसा है कि फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद डॉक्टर साहब मैंने कहा आहा तरी मेरी दर्द नहीं आई, नहीं है। फ्रेश होने के बाद जो है वो अब जो रहीम यार खान वाला फार्म है उसमें मौजूद हूँ, उसकी 4 दीवारी है और आए हाय 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 ये कुछ माएँ खड़ी हैं और ये उनके कुछ बच्चे खड़े हैं, मतलब कि ये जो माएँ खड़ी हैं और इनके कुछ बच्चे खड़े हैं, तो ये सीन है। तो अब बताएं कि ये जो माएँ खड़ी हैं, ये इनके जो बच्चे खड़े हैं, ये दिखाने हैं कि नहीं दिखाने हैं, अब आप लोग बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मज़ा आएगा तो फिर उसके बाद फिर जो है वो आपको फिर मैं दिखाऊंगा। जितनी ज़्यादा मोहब्बत से आप लोग बोलेंगे उतना जल्दी दिखाऊंगा। 2-3 दिन मैं यहाँ हूँ तो बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर से बता दूँ ऑफ़र क्या है, ऑफ़र ये है कि ये जो माएँ हैं, ये जो माएँ खड़ी हैं और इनके जो ये बच्चे खड़े हैं, इनकी बात हो रही है, तो अब आप लोग बताएं जैसा भी होता है। तो ये जो विलेज लाइफ की जो नाइट लाइफ होती है ना, ये असल नाइट लाइफ होती है। शहर की नाइट लाइफ अंधेरा हो, पूरे डेरे में एक बत्ती लगी हो, जानवर बैठे हैं और दूध चल रहा है और सब जानवर सामने बैठे हैं, पंखा लगा है, सब यार दोस्त बैठे हैं, गप शप लगा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा है, हाय 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 हाय, इधर दूध चल रहा है और वो सामने जानवर आराम कर रहे हैं, धुआं ही धुआं मच्छर के वास्ते, हाय 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 हाय। तो ये असल नाइट लाइफ जो है ना विलेज लाइफ की, आहा हाय हाय या मरहबा देसी खाना, या मरहबा। हाय तो अब जो है वो आज के दिन का इख्तिताम करते हैं और कल दोबारा आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।